अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मूली के पराठे, जो अलग ही तरीके से बनाए गए। मतलब आटे में दाल जो रात की बची हुई होती है उससे आपका डो तैयार होगा आटा डालकर, और उसमें आलू, ये आपकी मूली और हरी मिर्च और हरा धनिया, उसको फिल किया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारा राज किचन एंड व्लॉग से, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मूली के पराठे बनाना एक नई स्टाइल में। व्यूअर्स, ये रात की बची हुई दाल है, मसूर की दाल है, जो गाढ़ी बनती है, लेकिन इसका पानी सुखा कर हम थोड़ा सा मतलब पानी इसका थोड़ा सूख जाएगा मॉइस्चर, तो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी, फिर इसको ठंडा होने पर इसकी एक नई डिश बना रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसका पानी जल जाने देगा, फिर उसको ठंडा होने के लिए हम कुछ देर के लिए रख देंगे। तो ये देखिए दाल हमारी पक चुकी है, अभी ये ठंडी हो रही है, गैस मैंने ऑफ कर दिया है, इसको ठंडा होने देंगे। बस इतनी ही दाल को गाढ़ा रखना है, क्योंकि इसमें जब आटा डालेंगे तो इसी दाल के मॉइस्चर में ही हमारा आटा जो है गूंधेगा। तो अब हम गैस हम बंद कर चुके हैं और दाल को ठंडी होने देते हैं, जब तक और तैयारी कर लेते हैं। तो ये एक मूली ली है, इसको छील कर कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए एक मूली है जो मीडियम साइज़ की थी, तो उसको कद्दूकस मैंने कर लिया है। अब इसको हाथों से दबा दबा के इस तरह से पानी इसका सारा निकाल देंगे, क्योंकि मूली में ज़्यादा पानी होता है तो इसको थोड़ा सा पानी निचोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने एक बंच हरा धनिया काट लिया है बारीक, ठीक है, और ये दो हरी मिर्च है जो बारीक चॉप कर ली है, और ये देखिए मूली का पानी निकाल दिया है, ये देखिए रूखा हो गया। इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया मिक्स कर देंगे। तो अभी नहीं, जब हम फिल करेंगे मतलब स्टफ करेंगे पराठे में, तभी इसमें नमक और ये सारे जो कटिंग मैंने की है हरा धनिया और हरी मिर्च, ये उसी में तभी मिक्स किया जाएगा जब इसमें नमक डालेंगे, और जब भरेंगे पराठे में तभी हम इसमें नमक डालेंगे। तो बस दाल हमारी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मसाले पड़े ही रहते हैं, क्योंकि मसूर की दाल अक्सर मसाले में ही बनती है, तो इसमें सब कुछ मिक्स है। बस अब इसमें जितना भी आप जितने भी पराठे बनाना चाहें, इसमें चार पराठे बन जाएंगे, क्योंकि ये एक कटोरी दाल है। तो अब इसमें हम एक कटोरी ही आटा मिक्स करेंगे, और मतलब ऐसे मिक्स करेंगे कि ये गीला ना रहे, थोड़ा सा डो टाइप में बन जाए। तो उसमें एक कटोरी आटा डालते हैं। ये देखिए एक कटोरी ही आटा डाला है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही आटा मिक्स करेंगे, क्योंकि ये पहले देख लेंगे कितना मतलब वो हुआ है, क्योंकि एक टाइट डो बनना चाहिए, पराठे बनेंगे इसलिए थोड़ा टाइट डो बनना चाहिए। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया, इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला था, सिर्फ दाल का ये कलर आया है, और इसमें 2 चम्मच और आटा सूखा मिलाया था, क्योंकि एक कटोरी से थोड़ा गीला हो रहा था, टाइट डो नहीं हो रहा था। तो ये देखिए ये थोड़ा टाइट डो बन गया है। तो ये देखिए हमारी मूली है, और ये देखिए सारा मसाला इसका वो हो गया है। तो अब ये इसमें अब हम और सामान मिक्स करते हैं। तो इसमें ये देखिए हरा धनिया मिक्स करते हैं और हरी मिर्च डालते हैं। तो देखिए हरी मिर्च भी हमने मिक्स कर दी, हरा धनिया की ग्रीन है, ग्रीन में पता नहीं चल रहा है। अब इसमें सॉल्ट डाल के और थोड़े और मसाले ऐड करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा हमने मूली और हरी मिर्च और हरा धनिया अलग कर दिया है, क्योंकि इसमें नमक मिलाएंगे तो ये पानी छोड़ देगा। तो जितने पराठे बनाने हैं आप उसी हिसाब से ले लीजिए, हम 2 पराठे बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा लिया है, 2 पराठे में इसको फिल करना है, इसलिए इसमें नमक और चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि और जो है बाकी उसमें अगर मिला देंगे तो सब पानी छोड़ देगा, क्योंकि क्या होता है कि गर्म गर्म ही पराठे अच्छे लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं। दाल में भी नमक था ही, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से चख लीजिएगा, उस हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ये फिलिंग है तो इसमें थोड़ा सा हल्का ही डालिएगा, वरना पराठे में तेज़ हो जाएगा। तो ये हमने आधे से 1/4 हिस्सा मैंने नमक डाला है, 1/4 ही हम चाट मसाला डाल रहे हैं। मिर्च वगैरह तो आप डाल सकते हैं कड़वे के हिसाब से, आप लाल मिर्च डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, जो भी डालना डाल दीजिए, लेकिन ये है कि ऑलरेडी इसमें मिर्च पड़ी हुई है, 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक काटी हुई हैं,
कड़वा हो गया होगा, चाट टेस्ट के लिए डाल दें। बाकी दाल में मसाले काफ़ी पड़े हुए हैं इसलिए नहीं डालेंगे। देखिए कितना बड़ा सा पेड़ा लिया है, इसको राउंड कर लेते हैं। इतनी बड़ी रोटी बना ली है, अब इसको इसमें हम फिल करते हैं। ये जो हमारी मूली है फिलिंग इसमें ऐड करते हैं, 2 चम्मच डाल देंगे इसमें। ऐसे ही मुँह बंद कर देंगे इसका और इसको चिपटा कर देंगे इस तरह से। देखिए पैन गरम है, मैंने डाल दिया, इसको पलट भी दिया है। कि कोई भी रिफाइंड से, देसी घी से, आप किसी से भी फ्राई कर सकती हैं इसको। हमारा पराठा तैयार हो चुका है, अब इसको कट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो चुका है और ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप इसे ग्रीन चटनी है, टोमेटो सॉस है, आप रायते के साथ या किसी के साथ चाय के साथ आप ले सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।